हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लॉग 5 बेस 10 है, यहाँ पे कोई बेस नहीं दिया है तो हम उसको 10 मान सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं, देखिए जब मल्टीप्लाई के फंक्शन में रहता है और बेस सेम रहता है तो ये प्लस के फंक्शन में रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ये। तो ये हो जाएगा लॉग 5 बेस 10 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे कि log x प्लस 5 बेस 10, और इसको भी हम लिख देंगे log 10 बेस 10, क्योंकि 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कि log x प्लस 5 इंटू 10, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और बेस 10। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में x प्लस 5। तो यहाँ से ये टू बार में ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार इस टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, और इसका फुल वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप फुल वीडियो देख सकते हैं। अगला वीडियो हमारा यूनिटी मेथड का होगा, उससे मिस न कीजिएगा, क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के सारे क्वेश्चन मैं उसमें से कराया हूँ।